ग्राम पंचायत हंडिया जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला रीवा से, जहां पर ग्राम पंचायत कार्यालय में हमेशा लटकता रहता है ताला। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक रहते हैं कार्यालय से नदारद, हितग्राही होते रहते हैं परेशान। कलेक्टर के आदेशानुसार सोमवार और गुरुवार दो दिन कार्यालय में सचिव का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो क्या सचिव हमेशा रहते हैं हंडिया ग्राम पंचायत के? जागरूक जनता को लूटने वाली हंडिया पंचायत नईगढ़ी जनपद की हंडिया पंचायत बनी लूट की पंचायत। सचिव पति खोल रखा है फर्जी ट्रेडर्स। सचिव पति खुद वेंडर बन करता है लाखों की कमाई। सचिव पति फर्जी बिल लगाकर उपयंत्री से पास करवा कर करता है लाखों का घोटाला। जीएसटी ना देकर सरकार को भी लगाया लाखों का चूना। बताना चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत हड़िया में अभी हम खड़े हैं। ये ग्राम पंचायत हड़िया का पंचायत भवन है, जो शासन के दिशा निर्देश के अनुसार शासन का आदेश है कि सोमवार और गुरुवार दो दिन सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच को अनिवार्य रूप से कार्यालय में बैठना होगा। लेकिन आज दिन गुरुवार है और हमें देखने को यह मिल रहा है कि समय के करीब 12 बज रहे हैं, ना तो कार्यालय का ताला खुला हुआ है और न ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक कभी भी इस कार्यालय में नहीं बैठते हैं। रही बात सरपंच जिस दिन से पदभार में आई है, तो इस कार्यालय में एक भी दिन नहीं बैठी, न सोमवार न गुरुवार। ये आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त दे रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी को वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत हड़िया की ये स्थिति है कि कार्यालय का ना ताला खुलता, ना कार्यालय में कोई अधिकारी बैठते संबंधित, वीडियो के माध्यम से ये अवगत करा रहे हैं। समय करीब 12 बज रहे हैं, जो अभी तक कार्यालय का ताला भी नहीं खुला। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तेज सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। खबर है रीवा जिले से, जहां जनपद नईगढ़ी की ग्राम पंचायत हड़िया में सचिव पति खोल रखा है फर्जी ट्रेडर्स, और इसी फर्जी ट्रेडर्स के नाम से वह सरकारी जो सामग्री खरीदता है, जो बिल लगाता है, वो अपने ट्रेडर्स के नाम से ही रसीद, फर्जी रसीदें काटता है, और उसी रसीदों के चलते फर्जी राशि का आहरण भी करता है। यह बहुत ही बड़ा मामला उजागर हुआ है भ्रष्टाचार का ग्राम पंचायत हड़िया में, जहाँ की भूतपूर्व सचिव रह चुकी प्रभा तिवारी जी का जो पति है, वह माँ ट्रेडर्स के नाम से फर्जी बिल लगाता है सरकारी सामग्री का उपयोग करने के लिए, और उसमें माँ ट्रेडर्स के नाम से फर्जी राशियाँ आहरित करता है। लाखों रुपए का घोटाला सचिव पति के द्वारा किया गया है ग्राम पंचायत हड़िया में। ये वही ग्राम पंचायत हड़िया है जहां पर लगभग करोड़ों से ऊपर की राशि का गमन किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिव पति जो है वह फर्जी राशि का आहरण करता है, फर्जी बिल लगाता है, खुद के फर्जी ट्रेडर्स के नाम से पर्ची छपवा कर और सरकारी राशि का आहरण करता है, जबकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि सिर्फ कागज तक सीमित हैं, और स्थल पर मौके वारदात पर वो कार्य निर्माण करवाए ही नहीं गए हैं। और इस भ्रष्टाचार में जनपद पंचायत की उपयंत्री संध्या मिश्रा भी शामिल हैं, क्योंकि उनके टीएस के बगैर ये कैसे पास हो गया बिल, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राम पंचायतों में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और इसमें ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक भ्रष्टाचार है।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बोलना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे ना कि हमें पिक्चर सही नहीं दिखाई जाती है, हमें सब एकदम अच्छा अच्छा ही दिखाया जाता है, सारी बात हमारे तक पहुँच नहीं पाती है। तो मैं आपको ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ग्राम पंचायत हड़िया है, जनपद पंचायत नईगढ़ी है, जो रीवा जिला के अंतर्गत आती है, तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और रही बात पहुंचाने की, तो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप